आखिर कौन जानता था कि बार बार घर छोड़कर भागने वाला वह उद्दंड बालक एक दिन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का प्रमुख व्यक्ति बनेगा, बहुविध लेखन पर उसका आधिपत्य होगा और दुर्गम यात्राओं के झंझावतों से टकराकर भी वह कभी न टूटने वाला धीरनिष्ठ कर्मयोगी होगा। प्रारंभ से ही हर विषय हर घटना के प्रति जिज्ञासु रहने वाला वह कोई और नहीं अपितु 36 देसी विदेशी भाषाओं के महाज्ञानी और पद्म भूषण जैसी सम्मानित उपाधियों से अलंकृत महापंडित राहुल सांकृत्यायन का अतीत था। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह वीडियो हमारी एक नई सीरीज जीवन की कहानियां, व्यक्ति, घटनाएं और सफर की पहली वीडियो है। जैसा कि इस सीरीज के नाम से ही जाहिर हो रहा है, मैं इस सीरीज में आपसे उत्कृष्ट जीवन चरित्रों की चर्चा करूंगा और यह बायोग्राफिकल वीडियोज रहेंगी। आज मैं आपसे जिस महान व्यक्ति के बारे में चर्चा करूंगा, वह भारतीय साहित्य इतिहास में गूंजता हुआ एक ऐसा नाम है जिसने हमारी सांस्कृतिक विरासत पर कभी ना मिट सकने वाली अमिट छाप छोड़ी है। उनकी उपलब्धियों, खोजों, रचनाओं और भाषाओं के प्रति उनके ज्ञान से पता चलता है कि उनका असाधारण यायावरी जीवन किसी आश्चर्य या विस्मयता से कम नहीं था। आज मैं आपसे हिंदी साहित्य संसार में यात्रा साहित्य के जनक कहे जाने वाले अद्वितीय प्रतिभा के धनी महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी के जीवन और साहित्य में उनके अतुलनीय योगदान के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, जिससे आपको राहुल जी के बारे में बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके एग्जाम पर्पज के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों, आजीवन साहित्य सृजन में लीन रहकर अपने ज्ञान की परिधि का अनवरत विस्तार करने वाले महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 को साहित्य क्षेत्र में अति विशिष्ट स्थान रखने वाले जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के एक गांव पंधा में हुआ था। इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। दोस्तों, इनके पिता गोवर्धन पांडे एक कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ ब्राह्मण कनेला गांव में एक साधारण किसान थे और इनकी माता का नाम कुलवंती देवी था, जो पंधा गांव आजमगढ़ के पंडित रामचरण पाठक जो कि फौज में रहे थे की कन्या थी। गोवर्धन पांडे और कुलवंती देवी के 5 संतानें हुई, 4 पुत्र और 1 पुत्री। राहुल सांकृत्यायन अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। चूंकि इनकी माता कुलवंती देवी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए वे शादी के बाद अधिकतर दिन अपने मायके में ही रहीं। इसलिए राहुल का जन्म और इनके बचपन के अधिकतर दिन भी अपने ननिहाल पंधा में ही बीते। दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन को बचपन से ही पढ़ने और घूमने का बहुत शौक था। वह अधिकतर खुद से ही पढ़ाई किया करते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह बहुत कम उम्र में ही किताबें पढ़ने के शौकीन हो गए और उनमें ज्ञान प्राप्ति की भूख गहराने लगी। वे बचपन से ही अपने नाना के मुख से यात्रा वृतांतों, क्रांति की कहानियों और देश के विभिन्न प्रदेशों तथा स्थानों की रोचक कथाओं को सुनते आए थे। और जब उन्होंने 3री क्लास में नवाजिंदा वाजिंदा पुस्तक पढ़ी और उसमें अंकित इन पंक्तियों ने सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहा, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहा, उनके मन और विचारों पर गहरा प्रभाव डाला और भविष्य की रूपरेखा की नींव डाली। राहुल सांकृत्यायन की प्रारंभिक शिक्षा रानी की सराय विद्यालय से और फिर निजामाबाद मिडिल स्कूल से हुई, जहां से इन्होंने हिंदी और उर्दू की मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। राहुल सांकृत्यायन स्वतंत्र विचारों के स्वामी थे। मन में जो आया सो किया, जब जो चाहा सो कहा, कहीं किसी का कोई शील संकोच नहीं, कहीं किसी का कोई डर कोई भय नहीं। इनकी बातों को और इनकी किताबों में इनके विचारों को या इनकी प्रवृत्तियों को समाज अच्छा कहेगा या बुरा, इसका इन्होंने कभी कोई विचार ही नहीं किया। निरंतर अपने लक्ष्य पर ध्यानस्थ बने रहे, मंजिल की ओर अग्रशील बने रहे। मात्र 11 वर्ष की आयु में इनका पहला विवाह संतोषी देवी से हुआ। इसके बाद इन्होंने 2 विवाह और किए। दूसरा विवाह इनका 1937 में रशिया की लोला से हुआ, जिनसे इन्हें ईगोर नाम का एक पुत्र भी हुआ, और तीसरा विवाह 1950 में कमला से हुआ।
ये अपने इस प्रथम विवाह से कदापि खुश नहीं थे। वे इस विवाह को अपने साथ एक अन्याय समझते थे और पैरों की बीड़ियां समझते थे, जिसके चलते उन्होंने घर आना जाना कम कर दिया था, अक्सर बाहर ही रहा करते थे। 16 वर्षीय आयु में इन्होंने गृह त्याग का अभ्यास करना शुरू कर दिया था और इसी दौरान अतृप्त ज्ञान प्राप्ति की लालसा से प्रेरित होकर कई प्रदेशों की यात्राएं भी की। 20 वर्षीय आयु तक आते आते इन्होंने अपने पत्नी, घर और गांव का पूर्णतः त्याग कर दिया था और अपने पिता के समक्ष की गई प्रतिज्ञा के बाद तो राहुल ने 50 वर्ष की आयु तक अपने जन्म स्थान आजमगढ़ की सरजमी पर कदम तक नहीं रखा और घुमक्कड़ी जीवन को अपना लक्ष्य मानकर नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत, मध्य एशिया, ईरान, रूस, यूरोप, चीन, जापान, कोरिया, मंचूरिया आदि देशों का एक नहीं अनेक बार भ्रमण किया और वहां की कला एवं संस्कृति, दर्शन तथा साहित्य, इतिहास और भूगोल तथा बोली व भाषा का गहन अध्ययन एवं शोध किया। कहने का तात्पर्य है कि राहुल जी ने पर्यटन के दौरान भी अध्ययन की प्रवृत्ति को सर्वोपरि रखा। इन्होंने 150 से ज्यादा साहित्य ग्रंथों की रचनाएं की, जिनमें कहानियां, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनियां, अनुवाद, समीक्षाएं, कविताएं और साहित्य की सभी विधाएं शामिल है। अपनी मिडिल स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही जब इन्हें खबर मिली कि इनकी माँ और नानी दोनों का स्वर्गवास हो गया है तो ये बेचैन हो गए और बैलों को बेचकर मिले 22 रुपये लेकर घर से भागकर कलकत्ता चले गए। वहां इनके मन में वैराग की भावना और अधिक प्रबल हो गई और इसी वैराग की प्रवृत्ति की ओर अपना लक्ष्य साधते हुए उन्होंने अपने ज्ञान की परिधि का विस्तार करने का निश्चय किया और 1914 की शुरुआत तक ये भारत के विभिन्न प्रदेशों में घूमते रहे। इसी समय वाराणसी उत्तर प्रदेश में भ्रमण के दौरान इनकी मुलाकात परसा के महंत से हुई और इन्हें परसा आमंत्रित किया। महंत जी राहुल की तेजस्विता और ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा तथा असीम क्षमताओं से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने राहुल जी को एक नया नाम दिया और वे केदारनाथ पांडे से राम उदारदास साधु हो गए। दोस्तों, राहुल जी तथ्यों का अन्वेषण करने वाले जिज्ञासु मुमुक्षु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इन्होंने भाग्य को एक तरफ छोड़ कर्म सिद्धांत पर अधिक जोर दिया। दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के लिए वाराणसी से संस्कृत भाषा में उच्च शिक्षा प्राप्त की। लाहौर प्रवास के दौरान इस्लामी धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए अरबी भाषा, तिब्बत यात्रा काल में बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए तिब्बती तथा पाली भाषा का ज्ञान अर्जित किया। इन्होंने रशिया की भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि जानने के लिए रशियन सीखी। यूरोप यात्रा पर इन्होंने फ्रेंच और स्पेनिश जैसी अनेक विदेशी भाषाओं सहित 36 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर बहुभाषाविद, भाषा शास्त्री के रूप में मान्यता प्राप्त की। लेकिन हिंदी भाषा के प्रति इनका प्रेम अटूट था। इन्होंने तिब्बती, पाली, संस्कृत भाषाओं के शब्दकोश का निर्माण किया और अन्य भाषाओं के महत्वपूर्ण साहित्यों को हिंदी भाषाओं में अनुवाद करने का कार्य भी बखूबी किया। 36 भाषाओं का ज्ञान, जिनमें से 16 भाषाओं में महारत हासिल होने के बावजूद इन्होंने अपनी समस्त साहित्यिक रचनाएं तथा अनुवाद कार्य हिंदी भाषा में ही किए। 1915 की बात है, अपनी अतृप्त ज्ञान प्राप्ति की खोज में जब राहुल सांप्रत्यायन आगरा में थे तो वहां इनका परिचय आर्य समाज के सिद्धांतों और सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों से हुआ और फिर वहीं रहकर इन्होंने वैदिक धर्म, आर्य समाज के सिद्धांतों और महर्षि दयानंद सरस्वती के संदेशों का इस तरह गहन अध्ययन किया कि वे आर्य समाज के मूल सिद्धांतों और आचारों से पूर्णतः परिचित हो गए। उनके ऊपर आर्य समाजी होने की पक्की मुहर सी लग गई थी। इसी वर्ष उन्होंने अपना पहला हिंदी लेख भी लिखा था। दोस्तों, जब 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ तो लेफ्टिनेंट जनरल ओडोयर की इस हृदयहीनता की घटना को सुन सुनकर राहुल का मन बहुत ही आक्रोशित हो जाया करता था। जगह जगह अंग्रेजी जासूसों का जाल बिछा होने के बावजूद भी वे अंग्रेजी शासन के खिलाफ कटु टिप्पणियां करने से नहीं चूकते थे। 1921 में अपने मद्रास प्रवास के दौरान इन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला, परंतु ये घटनाएं उन्हें बिल्कुल भी विचलित नहीं कर पाई, अपितु अपने अटल लक्ष्य की ओर केंद्रित होकर वह निरंतर उसी की ओर अग्रसर बने रहे।
वे बहुत ही तेजस्वी और प्रखर बुद्धि के व्यक्ति थे। इनकी कलम से साहित्य की ऐसी कोई भी विधा अछूती नहीं रही जिसका संबंध जनसामान्य से रहा हो। राहुल संक्रत्यायन ने पूरे भारतवर्ष सहित अनेकों विदेशों यात्राएं की, कभी यूरोप तो कभी रशिया तो कभी तिब्बत तो कभी श्रीलंका, और अपनी इन यात्राओं में उन्होंने अनेक दुर्लभ ग्रंथों और पांडुलिपियों की खोज की और उन्हें भारत लेकर आए। जिन दुर्लभ ग्रंथों पांडुलिपियों को भारत लाना संभव नहीं हो सका था, उन ग्रंथों तथा पांडुलिपियों को उन्होंने स्वयं लिखा और फिर भारत लेकर आए। घुमकड़ी ही राहुल जी की जीवन की पाठशाला और यही इनका विश्वविद्यालय भी था। यात्रा साहित्य में अतुलनीय योगदान होने के कारण इन्हें यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है। ये आजीवन घूमते रहे, भारत में भी विभिन्न स्थानों पर क्रांतिकारी, समाज सुधारक, राजनेता और कुशल वक्ता के रूप में सक्रिय रहे, जिसके कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इसके अलावा इन्होंने पुरातत्वविद, इतिहासकार, दार्शनिक, गणितज्ञ और भूगोलविद्ता के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन सब विषयों पर अपने साहित्य की रचना भी की। राजनीति में प्रवेश के लिए उन्होंने छपरा जिले को चुना। उस समय देश में असहयोग आंदोलन के प्रति जन भावनाएं उभार पर आ चुकी थीं और राहुल जी ने राजनीति में प्रवेश कर लोगों के साथ जुड़ने का निश्चय किया था और छपरा से राजनीति से जुड़ने के लिए छपरा जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री को पत्र भी भेज दिया। परसा में इनकी अध्यक्षता हुई सभा में वहां के निवासियों ने पहली बार इनका भाषण सुना और काफी प्रभावित भी हुए। जब सन 1921 में छपरा में भीषण बाढ़ आई तो राहुल जी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जा जाकर क्षेत्रीय नागरिकों के सहयोग से बाढ़ पीड़ितों की हर संभव सहायता की। राजनीति और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण इन्हें 1922 में पहली बार 6 माह की जेल हुई और इसके बाद भी इन्हें अंग्रेजों के प्रति मुखर विद्रोह और क्रांतिकारी के रूप में किसान आंदोलनों और स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय रहने के कारण अनेक बार जेल हुई। दोस्तों, जेल की चार दीवारी भी इन्हें अपने ज्ञान का प्रसार करने से नहीं रोक पाई। 1923 में हजारीबाग जेल में सजा के दौरान इनकी मुलाकात शंकराचार्य से हुई। स्वामी शंकराचार्य से इन्होंने गणित, बीजगणित, त्रिकोणमितीय, कोऑर्डिनेट ज्यामिति सीखी। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 150 से अधिक पुस्तकों की रचनाएं की। 22वीं सदी, सिंह सेनापति, जय योद्धे और मधुर स्वप्न जैसे ऐतिहासिक उपन्यास, वोल्गा से गंगा, कनेला की कथा और बहुरंगी मधुरूपी जैसी श्रेष्ठ कहानी संग्रह, मेरी जीवन यात्रा, नए भारत के नए नेता, घुमक्कड़ स्वामी, सरदार पृथ्वी सिंह, लेनिन, कार्ल मार्क्स, स्टालिन और अंबेडकर आदि महान व्यक्तियों की जीवनियां और यात्रा साहित्य के रूप में मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, जापान, ईरान, लंका और किन्नर देश में आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने बुद्धचर्या, पुरातत्व निबंधावली, धम्मपद, विनय पिटक, दर्शन दिग्दर्शन, वैज्ञानिक भौतिकवाद, विश्व की रूपरेखा, मानव समाज समेत साहित्य का इतिहास कोश व अन्य बहुत से ग्रंथों की रचनाएं की। इनकी वोल्गा से गंगा एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रचना है और इनकी आत्मकथा 5 खंडों में प्रकाशित होने वाली अपने आप में ही सबसे अलग और सबसे बेहतरीन कृति है। इनमें से अधिकतर साहित्यिक रचनाएं इन्होंने जेल में रहकर ही रची थीं। वे कभी एक स्थान पर नहीं रुके। सर्वतोमुखी, प्रतिभा संपन्न और प्रगतिशील विचारक के रूप में राहुल संक्रत्यायन जी ने भारत के बाहर सर्वप्रथम नेपाल की यात्रा की। आर्य समाजी सिद्धांतों के प्रचार के दौरान जब वे लखनऊ में थे तो वहां महाबोधि सोसाइटी कलकत्ता के सहयोग से लंका जाने का निश्चय हुआ। लंका में ये कुछ 2.5 साल रहे और वहां इन्होंने बौद्ध त्रिपिटक, श्रीलंका और भारत इतिहास और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। इनकी कामयाबियों के पीछे इनकी ध्येयनिष्ठ कर्मयोगी की अवस्था थी जिसने उन्हें एक महाज्ञानी और महापंडित बनाया। वे सनातन धर्मी परिवार में पैदा हुए और आर्य समाज की ओर झुके। फिर 1930 में 37 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध के सिद्धांतों से प्रेरित होकर जब इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली और भिक्षु बने। केदारनाथ पांडे और बाबा रामोदार दास साधु जैसे नामों को पीछे छोड़ते हुए इनका नया नामकरण राहुल संक्रत्यायन हुआ। बौद्ध हो जाने पर भी इनको अपने ब्राह्मण तत्व का अभिमान था। संक्रत्यायन इनका जन्म गोत्र था जिसको उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़े रखा। लेखन कार्य में तो यह बहुत पहले ही सक्रिय हो चुके थे। इनके लेखन भी साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ करते थे।
लेकिन 1930 में इन्होंने लंका प्रवास के दौरान अपनी पहली किताब बुद्धचर्या लिखी, जो गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेशों पर आधारित एक प्रामाणिक और बहुत ही शानदार किताब है। दोस्तों, इस किताब में उन्होंने बुद्ध के जीवन की घटनाएं जो पाली त्रिपिटक में जहां तहां बिखरी हुई थी उन सबको एक जगह संग्रहित किया है और पाली भाषा से शब्दशः अनुवाद किया गया है। यह किताब राहुल की बौद्धिज्म पर लिखी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत किताब है, जिसे उन्होंने अपने पिता को समर्पित किया था। लंका में रहते हुए उन्होंने तिब्बती और पाली भाषा भी सीख ली थी और तिब्बत जाने का मन भी बना लिया था। और इन्होंने एक बार नहीं बल्कि 4 बार खतरनाक और जान जोखिम में डालने वाली तिब्बत की यात्राएं भी की। वहां से बौद्ध धर्म से संबंधित 10,000 से अधिक बेहद दुर्लभ पांडुलिपियों को खच्चरों पर लादकर भारत लेकर आए, जिन्हें आज भी बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना संग्रहालय में देखा जा सकता है। दोस्तों, राहुल जी ने जब जो कुछ सोचा, जब जो कुछ चाहा, वह लिखा, निर्भय होकर लिखा। वे प्राचीन साहित्य के सागर में तैरने वाले व्यक्ति थे। ये आजीवन हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे और जब कभी देश की राष्ट्रभाषा और राष्ट्र लिपि को लेकर प्रश्न खड़ा होता तो उनके तर्क और अनुभव सभी हिंदी के पक्ष में ही रहते। ये भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार करते थे और गीता प्रेस के कार्यों से घृणा भाव रखते थे। इनका बौद्ध प्रतिमाओं के प्रति विशेष आकर्षण था और खान पान के मामले में ये पूरी तरह से अघोरी प्रवृत्ति के थे। राहुल जी को उनकी विद्वता और उनके साहित्य में अविश्वसनीय और अतुलनीय योगदान को देखते हुए उन अनेक सम्मानित उपाधियों से विभूषित किया गया था। राहुल जी की पहली लंका यात्रा 1927 से 1928 के दौरान हुई और भारत लौटने से पूर्व लंका के विद्यालंकार परिवेण द्वारा राहुल जी को त्रिपिटकों के महान विद्वान होने के कारण त्रिपिटकाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। काशी पंडित सभा द्वारा उन्हें उनकी अनुपस्थिति में ही फरवरी 1930 को सनातन धर्म वैदिक भारतीय धर्म मर्यादा संरक्षण के लिए मानपत्र निर्गत करते हुए महापंडित के सम्मान से विभूषित किया। यह उपाधि उन्हें पहली तिब्बत यात्रा में काशी के पंडितों द्वारा दी गई थी। राहुल जी को 1947 में बंबई में आयोजित अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति घोषित किया गया था। 1949 में उन्हें साहित्य वाचस्पति की मानद उपाधि प्रदान की गई थी। 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से तो 26 जनवरी 1963 को उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें साहित्य चक्रवर्ती की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। संघर्षों से भरा इनका जीवन अंधविश्वास उन्मूलन और अमीरी गरीबी के भेद से रहित समान धर्म समाज की स्थापना के लिए समर्पित था। समाजवादी विचारधारा को, सोवियत रूस के संदेश को, किसान मजदूर के इनकलाब संदेश को, राजनीति के पेचीदा मसलों को आसान बनाकर सरल से सरल भाषा में विशाल जनता तक पहुंचाने में अकेले राहुल जी ने जितना काम किया उतना सारे कम्युनिस्ट लेखक ने मिलकर नहीं किया। 1963 में इनकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी, जिसके चलते इन्हें मॉस्को भी ले जाया गया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। 29 मार्च 1963 को भारत वापस लौट आए और 14 अप्रैल 1963 को 150 किताबों के विद्वान रचनाकार महापंडित राहुल शंकरत्यायन जी ने अपनी अंतिम सांसें ली और महाप्रयाण ग्रहण किया। बौद्ध पद्धति से इनका अंतिम संस्कार हुआ और जिस स्थान पर इनका अंतिम संस्कार हुआ वहां इनकी स्मृति में एक छोटा सा चैत्य भी स्थापित कर दिया गया। अगर आपने राहुल शंकरत्यायन की कोई सी किताब पढ़ी हो या राहुल शंकरत्यायन के जीवन की कोई बात या घटना आपको बेहद प्रभावित करती हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये बायोग्राफिकल वीडियो कैसी लगी और आप किस महान चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं वह भी मुझे कमेंट करें। बुक रिव्यू, कविताओं और कहानियों के लिए बने रहिए। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।